हेलो गाइस, वेलकम टू टी वाई जे वर्ल्ड। जो लोग 5G का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, यानी 5G मोबाइलों का वेट कर रहे थे, मिड रेंज में वेट कर रहे थे, उनका वेट बहुत ही जल्द अब खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द अब मिड रेंज में आपको 5G इनेबल सेट देखने को मिलने वाले हैं, जिनकी प्राइसिंग फिलहाल 20,000 के आसपास जाएगी, लेकिन धीरे धीरे कम होते होते ये 15,000 से 14,000 के बीच में आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे रिसेंट में एक मिड रेंज के फोन की बात करें जो चाइना में लॉन्च हुआ, जिसका नाम है Realme X50M। ये Realme के X50 को फॉलो करता हुआ X50M चाइना में लॉन्च हो चुका है, जो कि एक 5G इनेबल डिवाइस है। इसमें आपको फुल 5G सपोर्ट मिल रहा है, इसके साथ साथ इसमें 4200mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल रही है, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग या वॉक चार्ज 4.0 आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्निक से बनाया गया प्रोसेसर इसमें लगाया गया है, जो है स्नैपड्रैगन 765, जो कि मिड रेंज के डिवाइसों में ज्यादातर आपको अब देखने को मिलेगा। ये एक पावरफुल हार्डवेयर है जो पबजी से लेकर लगभग हर एक गेम को इजीली सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे स्नैपड्रैगन 765 के फीचर्स की बात करें, तो सबसे बड़ा फीचर इसका है कि ये X52 5G मॉडम को सपोर्ट करता है, जिसमें डाउनलोड स्पीड 1.2 GBPS यानी गीगाबिट पर सेकंड से लेकर 3.7 GB पर सेकंड जाएगी, और अपलोड स्पीड 1.5 GBPS तक जाएगी। यानी अगर इतनी स्पीड या इसके आसपास भी स्पीड हमें मिल गई, तो ये हमारे कंप्यूटर के कॉपी कट पेस्ट से ज्यादा तेज स्पीड रहने वाली है। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर ऐसी स्पीड हमें मिलने लगी तो 1 GB की फाइल हमें डाउनलोड करने में कुछ मिनट्स ही लगेंगे। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ GPU की बात करें, तो GPU इसमें आपको Adreno 620 लगा मिल रहा है, जो कि एक पावरफुल GPU है जो हर तरह के ग्राफिक्स को सपोर्ट कर देता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे DSP की बात करें, तो इसमें एक इम्प्रूव्ड DSP आपको लगी मिल रही है, जो फ्लैगशिप लेवल के मोबाइलों में लगी मिलती है, 696 हेक्सागन। यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर इसका काफी इम्प्रूव्ड है, जो आपको AI एल्गोरिदम में हेल्प करता है। यानी कि जिसका भी DSP इम्प्रूव होता जाता है, उसका यूजर एक्सपीरियंस काफी स्मूथ होता जाता है। कुछ उस तरह का आपको 765 में भी देखने को मिल रहा है। यानी कि जो Realme का X50M आ रहा है, ये एक तरह से मिड रेंज में काफी अट्रैक्टिव प्राइस के साथ लॉन्च होगा, जो कि चाइना में हो चुका है लॉन्च। इसकी प्राइसिंग 20,000 से लेकर 24,000-25,000 के बीच जा रही है। 6GB 128GB का जो वेरियंट है, 20,000 से 21,000 के बीच में इसकी प्राइसिंग जा रही है। तो ये चाइना की प्राइसिंग है। इंडिया में ये चाइना के बाद डेफिनेटली लॉन्च होगा, लेकिन किस नाम से लॉन्च होगा, कैसे लॉन्च होगा, अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन बहुत ही जल्द आपको Realme और Redmi दोनों के ही 5G फोन मिड रेंज में देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे इसके अदर फीचर की बात करें, तो इसमें आपको लिक्विड कॉपर ट्यूब कूलिंग 3.0 लगा मिल रहा है, 48MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, 8MP का वाइड एंगल, 2MP का मैक्रो, 2MP का आपको यहाँ पे डेप्थ सेंसर मिलेगा। और जो फ्रंट स्क्रीन है, ये इसका मेन अट्रैक्शन हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, जैसे पोको X2 में आपको मिला था। इसके साथ साथ जो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है, उसे इम्प्रूव किया गया। जैसे पोको X2 में या फिर आपने Redmi K30 देखा होगा, इनमें जैसा आपको डिस्प्ले क्वालिटी मिली है, कुछ उस तरह की डिस्प्ले क्वालिटी अब आपको Realme के X50M में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें, तो जो इसकी डिज़ाइन है वो सिमिलर है Realme के XT, Realme 6 Pro, Realme 6, यानी कि डिजाइन लगभग सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं। 4200mAh की बैटरी कैपेसिटी है, लिक्विड कूलिंग आपको इसमें मिल रही है, इसके साथ साथ 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 5G इनेबल डिवाइस है। यानी कि यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव प्राइस के साथ आपको ये डिवाइस मिलेगा, लेकिन इसमें जो कैमरा है वो 48MP का फिलहाल मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, कि इसमें आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलेगा, यानी कि आपको टाइप सी से ही हेडफोन को कनेक्ट करना पड़ेगा, या ब्लूटूथ हेडफोन के थ्रू आपको यहाँ पे मोबाइल को चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का फोन था जो बहुत ही जल्द इंडिया में भी लॉन्च होगा। किस नाम से लॉन्च होगा ये नहीं पता, लेकिन बहुत ही जल्द Realme और Redmi दोनों ही 5G enabled devices मिड रेंज में इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि लॉकडाउन सिचुएशन के कारण काफी फोनों की सेल रुक गई है, काफी फोनों की लॉन्चिंग रुक गई है, तो भी कंपनियां यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी के साथ फोन लॉन्च कर रही हैं, जो कि इंडिया में बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और जैसे लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, तो आपको काफी नए और अट्रैक्टिव फीचर वाले फोन देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत ही जल्द हमने टॉप 10 मोबाइल अलग अलग कैटेगरी के भी एक लिस्ट बनाई है, जिसके ऊपर वीडियो भी बना लिया है, कि पबजी से रिलेट या फिर आपको नॉर्मल यूज करना है, या फिर ओवरऑल सबसे अच्छा मोबाइल कौन सा है। तो इसके ऊपर हमने पूरी लिस्ट बनाई है, जिसका वीडियो बहुत ही जल्द TYJ वर्ल्ड में अपलोड होगा। तो गाइज, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।